हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रीड एंड लीड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिस्टर की जो वैकेंसी थी 429। दोस्तों, उसमें आपका रिटर्न एग्जाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 4 स्टेप में है। पहले स्टेप में दोस्तों आपका PHT डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, जिसका दोस्तों एडमिट कार्ड 1 तारीख से आने वाला है, और दोस्तों किस तरह से आपको डाउनलोड करना है उसका भी जो है वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरे स्टेप में दोस्तों आपका जो है रिटर्न एग्जाम होने वाला है, और तीसरे स्टेप में दोस्तों आपका जो है स्किल टेस्ट, और चौथे स्टेप में दोस्तों आपका जो है मेडिकल होने वाला है। इस तरह से दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपका रिटर्न एग्जाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, निगेटिव मार्किंग है या कि नहीं, कंप्लीट जानकारी दोस्तों इस वीडियो में देने वाला हूँ। जिस तरह से दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, या CISF की तरफ से आया हुआ ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसका जो सिलेबस है दोस्तों मैं आपको जो बताऊंगा CISF के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। इसमें दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, यहां पर इन्होंने दे रखा है कि आपका इसका इनका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। यहां पर कुछ वैकेंसी की डिटेल दे रखी है। अब नीचे चलते हैं दोस्तों, नीचे जो दे रखा है इसका जो सिलेबस है इनका नोटिफिकेशन में ही दे रखा है, वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर दोस्तों जो है मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपको जो है PHT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, उसका वीडियो दोस्तों मैंने आपको बना दिया है। उसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं कि आपको जो है PHT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम में दोस्तों आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, आप यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है OMR कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, यानी कि आपका जो OMR पर एग्ज़ाम होने वाला है, और दोस्तों आपका जो है जो क्वेश्चन पेपर है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है, जिसमें दोस्तों आपका जो है 100 नंबर का पेपर होगा, जिसके लिए दोस्तों आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का टाइम दोस्तों, और 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन। और इसमें सिलेबस में दोस्तों आपका जो रहने वाला है जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक, जनरल इंग्लिश और हिंदी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो क्वेश्चन पेपर है आपको जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलने वाला है। यदि आपसे इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश कर सकते हैं, यदि हिंदी आती है तो हिंदी कर सकते हैं। दोस्तों यह जो हिंदी और इंग्लिश वाला सेक्शन है, आप आपको बता दूँ कि इसमें दोस्तों आपको जो है दोनों ही क्वेश्चन करने हैं। इसमें ऐसा हो सकता है कि 10-10 क्वेश्चन आए, इसमें कुछ टाइप नहीं दे रखा कि कितने किसको जो क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। इसमें सिर्फ दे रखा है कि आपका जो क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक, जनरल इंग्लिश हिंदी, और दोनों क्वेश्चन जो पेपर आएंगे दोस्तों हिंदी इंग्लिश में आएंगे। आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी इंग्लिश में मिल सकते हैं, आप चाहे इंग्लिश में कर सकते हैं चाहे इंग्लिश में कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम जो नंबर चाहिए आपको 35% नंबर चाहिए जनरल के लिए, और SC ST OBC के लिए 33% नंबर चाहिए। इस तरह से दोस्तों आप जो अगले स्टेट के जो अगला स्टेज होगा आपको उसके लिए क्वालिफाई हो पाएंगे, यदि आपके 33% नंबर है। दोस्तों यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करना, आपका कमेंट जो मिल जाएगा। एडमिट कार्ड दोस्तों जैसे ही आते हैं मैं आपको उसको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना लगातार अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी डाउट हो तो कमेंट करना, आपको कमेंट का जवाब मिल जाएगा। और दोस्तों पर्सनली हमसे कनेक्ट होने के लिए हमारा फेसबुक पेज का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस पर आप जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।